दोस्तों आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल जवाहर स्पोर्ट। दोस्तों पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा ODI मैच खेला गया, जिसमें इंग्लैंड ने पाकिस्तान को शिकस्त देकर ODI सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली। दोस्तों पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा और आखिरी ODI मैच 13 जुलाई को खेला जाएगा, जिसमें पाकिस्तानी टीम में 5 बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। दोस्तों पाकिस्तानी टीम में कौन सी 5 बड़ी तब्दीलियाँ की जाएंगी और ये मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक कितने बजे शुरू होगा, आपको मुकम्मल तफसील से आगाह करेंगे इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने जवाहर स्पोर्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे एक बेल आइकन प्रेस करता कॉल पर क्लिक कर दें ताकि आपको क्रिकेट के रिलेटेड वीडियो सबसे पहले मिल सके। चलते हैं वीडियो की तरह। दोस्तों पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा ODI मैच खेला गया, जिसमें इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 52 रन से शिकस्त देकर ODI सीरीज अपने नाम कर ली और इस तरह पाकिस्तानी टीम जो है इंग्लैंड की बी टीम से ये सीरीज हार चुकी है। दोस्तों पाकिस्तान टीम में अब जो है तीसरे और आखिरी ODI मैच में 5 बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं जो कि तीसरे और आखिरी ODI मैच में की जाएंगी। दोस्तों पाकिस्तान टीम में अब नए प्लेयर्स को मौका दिया जाएगा, तीसरे और आखिरी ODI में बड़े 5 तब्दीलियाँ की जाएंगी। दोस्तों कौन सी 5 बड़ी तब्दीलियाँ की जाएंगी आखिरी ODI मैच में, आपको मुकम्मल तफसील से आगाह करते हैं। ये मैच कितने बजे शुरू होगा ये भी आपको बताते हैं। सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं 5 बड़ी तब्दीलियाँ जो कि इंग्लैंड में तीसरे ODI मैच में की जाएंगी। दोस्तों पाकिस्तान के ओपनर बल्लेबाज इमाम हलक की जगह अब्दुल्ला शफीक को जो है टीम में शामिल किया जाएगा तीसरे और ODI मैच में। दोस्तों ये पहली तब्दीली होगी। नंबर 2 पर तब्दीली का जो नाम आता है मोहम्मद रिजवान, जो कि मुसलसल ODI में नाकाम नज़र आ रहे हैं। दोस्तों इनकी परफॉर्मेंस टेस्ट और T20 में अच्छी है, लेकिन ODI में इनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। इनकी जगह पाकिस्तान के विकेट कीपर और साबिक कप्तान सरफराज अहमद को टीम में मौका दिया जाएगा। तो दोस्तों ये थी पाकिस्तान की दूसरी बड़ी तब्दीली। नंबर 3 पे नाम आता है फहीम अशरफ का, जो कि मुकम्मल तौर पर बैटिंग और बॉलिंग दोनों शोबों में नज़र आई। दोस्तों इनकी जगह जो है उस्मान कादिर को टीम में शामिल किया जाएगा। तो दोस्तों ये तीसरी बड़ी तब्दीली थी पाकिस्तानी टीम में। नंबर 4 पर नाम आता है पाकिस्तान के लेग स्पिनर शहताब खान, इनको भी चौथे मैच में जो है नहीं खिलाया जाएगा और इनको भी जो है चौथी तब्दीली जो है मोहम्मद हसनैन को जो है टीम में शामिल किया जाएगा तीसरे ODI मैच में। नंबर 5 पे जो नाम आता है पाकिस्तान के बहुत ही अच्छे बैट्समैन शुएब मकसूद, इनको भी जो टीम में शामिल नहीं किया जाएगा, इनकी जगह आगा सलमान जो है टीम में शामिल होंगे। तो दोस्तों ये थी 5 बड़ी तब्दीलियाँ जो कि पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान तीसरे और आखिरी ODI मैच में की जाएंगी। दोस्तों पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा और आखिरी ODI मैच जो है 13 जुलाई को खेला जाएगा और यह मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे शुरू होगा। दोस्तों ये थी ताज़ा तरीन अपडेट पाकिस्तान और इंग्लैंड के हवाले से। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको क्रिकेट के रिलेटेड वीडियो सबसे पहले मिल सके। हमें अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।